लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4। सेक पावर ऑफ 7x टेन एक्स डी एक्स। सो दिस इज द क्वेश्चन सोल्व। सेक एक्स दे रखा है, सेक एक्स की पावर, इसकी पावर इतनी बड़ी दे रखी है तो इसको ही खत्म करना पड़ेगा हमें। सो इसको ले लें, अगर सेक एक्स को ले लें, टी ले लेता हूं उसको, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करूं अगर सेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स का टी का भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, सेक एक्स एन एक्स, राइट। डीएक्स को इधर भेज देता हूं, इधर कौन बचेगा, डी टी, ठीक है। एक तो ये चीज देख लीजिए, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होता तो उसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन का, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, नाउ लुक एट द क्वेश्चन हियर। नाउ इन दिस क्वेश्चन कैन आई राइट दिस सेक पावर 7x लाइक दिस, सेक पावर 6x इनटू सेक एक्स। सेक पावर 7x को लिख सकता हूं सेक एक्स और इनटू सेक पावर 6x, राइट। टेन एक्स भी है, ठीक है, एज इट इज, एंड डी एक्स भी एज इट इज। ये देखिए, यहां से मैं सीधा इसको यहां पे आया हूं और सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई है, सेक पावर 7 को चेंज किया है बस। नाउ लुक एट दिस, जो मैंने सपोज किया था, इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, इसको और इसको कर दीजिए, इसको और इसको कर दीजिए यहाँ पे पुट। सेक एक्स को क्या लेट किया था, टी, टी की पावर कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या आया था, यहाँ पे देखिए डी टी, तो यहाँ पे रखा डी टी, टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन, टी पावर 7/7 प्लस सी लगाना, ना भूलें अगर आधा नंबर नहीं कटवाना है तो। जरूरी नहीं आधा नंबर कटे, इट्स डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ द टीचर एंड इट्स डिपेंड अपॉन योर मार्क्स ऑल्सो। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू पास देन टीचर डू नॉट डिटेक्ट योर मार्क्स, एंड इफ यू आर स्कोरिंग अबाउट 90, आप 90 से ऊपर खेल रहे हैं, तो देन टीचर डिटेक्ट, वो हर एक छोटी गलती के भी मार्क्स काटेगा, ठीक है। अगर आप 30 के पास खेल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं पास होने के लिए, तो टीचर इन छोटी छोटी गलतियों का कोई बुरा नहीं मानेगा। 90 से ऊपर खेलने वालों को इसी का ध्यान रखना है, वरना तो जल्दी जल्दी करते जाना है। आंसर बाद में टी को रिप्लेस कर दीजिए, टी को लेट क्या किया था, ये ऊपर छुप गया, टी को लेट किया था सेक एक्स, तो यहां पे रखिए सेक एक्स की पावर 7/7 + c, ठीक है जी। ये फाइनल आंसर है, इससे आगे सोल्व नहीं करना है इसको। सेक 7x/7 + c। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल।